हेलो दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वेब लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही, चैनल पे कंटिन्यू क्लास है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है सीक्वेंस वे में दोस्तों। लेकिन उस एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, इसलिए करंट अफेयर्स जो है आप लोगों के लिए बहुत डिमांड आ रहा था। इसलिए ये वीकली करंट अफेयर्स है जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जितने भी सरकारी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम होने वाला है, एलडीसी, एमटीएस या फिर रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी और स्टेट लेवल का जितने भी एग्जाम होने वाले, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है करंट अफेयर्स का। इसमें दोस्तों पूरे जो है 7 मंथ का दिसंबर 2018 से जून 2019 इस मंथ तक अपडेटेड वीकली बाय वीकली करंट अफेयर्स है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और जो नया स्टूडेंट है उन लोगों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो घंटी के बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पर वीडियो अपलोडिंग जो होता है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए क्योंकि आपके लिए जो है इतना एफर्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हर किसी को फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर का फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसे आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को आर्थिक मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2018 को कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा दोस्तों, इतना आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था। और एक बात और बता देना चाहता हूं, ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक है, 17वें नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में जर्मन बाच ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में जारी किया है जिसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों भारत का स्थान मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 14वां स्थान मिला है। बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में एक स्वतंत्र विकास संगठन द्वारा जो है जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 जारी किया गया दोस्तों। इस सूचकांक में भारत को पिछले 20 वर्षों की जलवायु संबंधी घटनाओं के आधार पर 14वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जो प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इस चैनल पे वीकली करंट अफेयर्स अपडेट होता है जो कि आगामी एग्जाम के लिए स्पेशल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इंक्लूड किए जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है जिसमें किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है? शीर्ष स्थान पर रखा गया है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंजेला मार्केल को। ठीक है, बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 4 दिसंबर 2018 को विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई है जिस यह सूची में दोस्तों जर्मन की चांसलर एंजेला मार्केल को लगातार 6ठा बार यह पहले स्थान पे अपना पद संभाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बता देना चाहता हूं, उसके बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा जो है दूसरे स्थान पे है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, हाल ही में साहित्य अकादमी ने वर्ष 2018 के पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की है जिसमें किसे हिंदी में पुरस्कार मिला है? हिंदी में साहित्य अकादमी दोस्तों वर्ष 2018 मिला है, ऑप्शन बता देना चाहता हूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्रा मृगधल को। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं दोस्तों कि साहित्य अकादमी 5 दिसंबर 2018 को जो है ये घोषित किया गया था जिसे विजेताओं की अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज जो होता है इसमें पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी में जो है चित्रा मृगधल को मिला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में 5 दिसंबर 2018 को विश्व मृदा दिवस मनाया गया जिसकी शुरुआत कब हुई थी? विश्व मृदा दिवस दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2014 से इसका शुरुआत हुआ था और प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ये 2014 से शुरुआत हुआ था। ठीक है दोस्तों,
इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? मेन उद्देश्य है कि किसान और आम लोगों को मिट्टी की महत्व के बारे में जागरूक करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। फोर्ब्स ने हाल ही में भारत की सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 सितारों की सूची जारी की है, जिसमें किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लीजिए इसे। ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए बहुत रिपीटेड इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सलमान खान। ठीक है, बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान को दोस्तों बता देना चाहता हूं कि इनको जो है 100 लिस्ट सितारों की सूची जारी की, सर्वाधिक कमाई करने वाले, उसमें सलमान खान को रखा गया है, इंडिया के एक्टर को सलमान खान को रखा गया है। और ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, इस सूची में सलमान खान लगातार तीसरे साल जो है सबसे अधिक जो है कमाई करने वाले 100 सितारों की सूची में अपना स्थान बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सेवंथ नंबर क्वेश्चन आ जाइए। सेवंथ नंबर पे, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुद्रा अदला बदली समझौता किया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत चर्चित में न्यूज में रहा था। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूएई। ठीक है दोस्तों, यूएई करेक्ट आंसर हो जाएगा। बता देना चाहता हूं कि हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई के नाम से जानते हैं, ने परस्पर मुद्रा अदला बदली की व्यवस्था जो है ये इन्होंने मंजूरी समझौता कर दिया है। और एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो है भारत के विदेश मंत्री जो सुषमा स्वराज और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नयान ने ये जो है आपस में समझौता किए हैं। आज ये 8 नंबर क्वेश्चन पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय ने 5 दिसंबर 2018 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है? इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए गौतम गंभीर, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर है गौतम गंभीर। इन्होंने दोस्तों बता देना चाहता हूं कि ये 4 दिसंबर 2018 क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है। यह दोस्तों गौतम गंभीर ने ट्विटर और फेसबुक के जरिए जो है ये अपना संन्यास की घोषणा किए हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये दोस्तों मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में 3 दिसंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इस दिवस का विषय, इस वर्ष थीम विषय रहा था दोस्तों, थीम जो है स्पेशली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस चैनल पे स्पेशली दिवस और उसके थीम अपलोडेड है, आप लोग चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूँ इस वर्ष का थीम रहा था दिव्यांग लोगों के समावेशी समान और सतत विकास की सशक्त करना। ठीक है दोस्तों, टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, दसवां नंबर, हाल ही में किसने वर्ष 2018 का बेलन डियोर पुरस्कार जीता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुका मॉड्रिक। ठीक है दोस्तों, लुका मॉड्रिक बता देना चाहता हूं कि हाल ही में लुका मॉड्रिक ने वर्ष 2018 का बेलन डियोर पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने दो दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी को का 10 साल से चला आ रहे वर्चस्व को खत्म कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों, इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन झा। एन झा जो है भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं दोस्तों। ये जो है 3 दिसंबर 2018 को देश का नया वित्त सचिव दोस्तों, यहाँ पे वित्त सचिव होगा। ठीक है, भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। वित्त सचिव की बात करते हैं दोस्तों, एन झा जो है भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं दोस्तों। बता देना चाहता हूँ कि ये जो है 3 दिसंबर 2018 को देश का नया वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली T10 लीग का खिताब जीता है?
ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न वॉरियर्स। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि हाल ही में नॉर्दर्न वॉरियर्स ने शारजहां में खेली गई T10 लीग का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है फाइनल में पंखतूस 11 को 22 रन से हरा करके ये जो है अपना खिताब अपने नाम किया है, नॉर्दर्न वॉरियर्स, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को निशानेबाजी के सर्वोच्च सम्मान द ब्लू क्रॉस, ध्यान दीजिएगा, द ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है दोस्तों, अभिनव बिंद्रा, बता देना चाहता हूं कि हाल ही में अभिनव बिंद्रा जो कि निशानेबाज का प्लेयर है, इन्होंने सर्वोच्च स्थान द ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ये जो है दोस्तों, यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण हेतु एक पोर्टल आरंभ किया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल इकाई। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए एक पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दिया है, जिसका ऑनलाइन पोर्टल डिजिटल स्काई उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2022 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बड़ी कूटनीति कामयाबी मिली है दोस्तों, कि अब भारत 2022 में विश्व के 20 ताकतवर देश समूह जो कि G20 का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, विश्व एड्स दिवस वर्ल्ड एड्स डे हर वर्ष मनाया जाता है। ये दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड ये क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जॉर्ज HW बुश का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, क्योंकि बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे, हाईलाइटेड व्यक्ति, नामी व्यक्ति थे। इस क्वेश्चन का हर किसी को आंसर आपको पता होगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, आंसर बता देना चाहता हूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज HW बुश को जो है 30 नवंबर 2018 को निधन हो गया, वे दोस्तों 94 वर्ष के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 18 नंबर क्वेश्चन पे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 28 लाख किसानों को मुफ्त में मोबाइल फोन देने का घोषणा किया है। बहुत ही चर्चित हाईलाइटेड ये न्यूज में रहा था दोस्तों, इसे भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 29 नवंबर 2018 को कहा कि राज्य के 28 लाख किसानों को जो है अगले 3 वर्ष में जो है मोबाइल फोन मुफ्त में देने का घोषणा किया है। ठीक है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 दिया गया, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2018 में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों किसी अंग्रेजी के लेखक को दिया गया है, अमिताभ घोष जो है अंग्रेजी के लेखक है दोस्तों, और इन्हीं को जो है वर्ष 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में कौन मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत चर्चित हाईलाइटेड न्यूज, इस टाइम आप लोगों को 2 दिन पहले के लिए बहुत ही हाईलाइटेड न्यूज में चर्चित में रहा था, ध्यान दीजिएगा, 18वें मुख्यमंत्री इस बार सिलेक्ट हुए हैं, मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, कमलनाथ जी को जो है मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में इनको बनाया गया है। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि हाल ही में कांग्रेस ने 11 दिसंबर 2018 को
अनुभवी नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कराकर इसके विरुद्ध जो है इसके साथ मतलब जो है बहुत यहां पे लंबी बहस हुआ था दोस्तों। उसी बहस के दौरान जो है यह निर्णय लिया गया था कि कमलनाथ जी को जो है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में बनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स को आप लोग कभी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी करंट अफेयर्स से जो है क्वेश्चन बहुत ही हूबहू मिलते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिजेंद्र पाल सिंह को। बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय ने 13 दिसंबर 2018 को भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान जिसको FTI के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष के रूप में बिजेंद्र पाल को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, बता दें दोस्तों कि उन्होंने दिग्गज कलाकार अनुपम खेर की जगह लिए हैं, इनसे पहले अनुपम खेर थे। ठीक है, FTI के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है आगामी एग्जाम के लिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक गहलोत जी। ठीक है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में बने गए हैं दोस्तों अशोक गहलोत जी को। बता देना चाहता हूं कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 14 दिसंबर 2018 को पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, जो कि ये तीसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे। ठीक है, वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिन पायलट को राज्य का उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा कि वहां के जो उप मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे दोस्तों, जो है सचिन पायलट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के लिए चुना गया है। बहुत प्रत्येक क्वेश्चन बता देता हूं, VVI रहता है। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूं वीकली के लिए, जो कि बहुत ही स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए याद जरूर किया कीजिए। टाइम पोर्शन ऑफ द ईयर 2018 के लिए इस क्वेश्चन को आप VVI लगा लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जमाल खाशोगी। ध्यान दीजिएगा, जमाल खाशोगी। ठीक है, जमाल खाशोगी जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के रूप में इनको नॉमिनेट किया गया है। बता देना चाहता हूं दोस्तों कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार टाइम मैगजीन ने जो है सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी को सम्मान देने के लिए वर्ष 2018 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सिक्स नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन व्यक्ति हाल ही में लगातार दूसरी बार, ध्यान दीजिएगा, लगातार दूसरी बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर राव। ठीक है दोस्तों, चंद्रशेखर राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बता देना चाहता हूं कि तेलंगाना के राष्ट्र समिति TRS के प्रमुख चंद्रशेखर राव KCR के जो है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है 13 दिसंबर 2018 को शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जो है लगातार ये दूसरा कार्यकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज भी जो यह BPSC का जो आज एग्जाम हुआ था उसमें भी RBI के गवर्नर के रूप में पूछा गया था दोस्तों, तो वहां पे जो है ऑप्शन के अनुसार तो वहां पे कंफ्यूजन था, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो अभी करंट में शशिकांत दास है, लेकिन शशिकांत दास ऑप्शन में नहीं था, उर्जित पटेल था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अनुसार उर्जित पटेल ही होगा उस क्वेश्चन में, क्योंकि इनसे पहले उर्जित पटेल थे, लेकिन आप जो एग्जाम में पूछेगा करंट गवर्नर शशिकांत दास हो गए RBI के। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि RBI के जो शशिकांत दास गवर्नर बने हैं 25वें गवर्नर है, याद कर लीजिएगा, 25th नंबर का ये जो है गवर्नर बने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे हर वर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ये जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
हाल ही में विश्व भर में 10 दिसंबर 2018 को मानव अधिकार दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष जो है मानव अधिकार का उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा मानव अधिकारों को हनन को रोकना इस वर्ष का थीम था, जो कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, 9th नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2018 खिताब जीता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले इससे पहले वाला वीडियो में अपडेट करा दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया हूँ फर्स्ट वीक दिसंबर का सेकंड वीक में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेनेसा पोन्स दिलियोन्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेनेसा पोन्स हो जाएगा, मिस वर्ल्ड 2018 खिताब बेनेसा पोन्स ने जीते हैं। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि हाल ही में मैक्सिको की बेनेसा, ध्यान दीजिएगा ये जो है मैक्सिको के रहने वाले हैं, ठीक है, मैक्सिको की बेनेसा पोन्स दिलियोन को जो है वर्ष 2018 का मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने ही जीता है, जो कि बता देना चाहता हूँ विजेता को बेनेसा पोन्स दिलोन को जो है घोषित किए गए जाने के बाद जो है पिछले वर्ष की मिस वर्ल्ड भारत की मनुक्षी छिल्लर ने जो है ताज पहनाया है इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, हाल ही में मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाने की घोषणा हुई है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, ठीक है। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाने की घोषणा हुई है, जिसकी कुल ऊंचाई क्या है। दोस्तों हाइट पूछ रहा है इस क्वेश्चन का, राउंड फिगर में आप लोग याद कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 141 मीटर, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 141 मीटर, ध्यान दीजिए। बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा जारी की गई इस घोषणा के अनुसार दोस्तों मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जिसकी ऊंचाई है 141 किलोमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ध्यान दीजिएगा 141 मीटर है, ठीक है, किलोमीटर नहीं सॉरी, 141 मीटर है उसका लंबाई ऊंचाई है, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 141 मीटर उसका ऊंचाई है उस पुल का, ठीक है, जो कि मणिपुर में जो है बनाने का घोषणा हुआ है, 141 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, किस भारतीय शहर में हाल ही में टिकाऊ जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भोपाल। ठीक है दोस्तों, भोपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुसीरुल हसन का निधन हो गया, वो क्या थे। दोस्तों निधन से रिलेटेड भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसीलिए आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुसीरुल हसन का निधन हो गया, वो क्या थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो एक इतिहासकार थे। ठीक है दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध शिक्षाविद इतिहासकार जो है मुसीरुल हसन का निधन हो गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड वीक का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात हो रहा है, उसमें नए कोच की बात हो रहा है, जो नए कोच बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा WB रमन। ध्यान दीजिएगा, WB रमन जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया, देख सकते हैं फिगर में, यही जो है WB रमन है, इन्हीं को है दोस्तों। बता देना चाहता हूं कि हाल ही में भारत के पूर्व टेस्ट ओपनर WB रमन को 20 दिसंबर 2018 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए वीकली करंट अफेयर्स को जरूर देखा कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में कौन सा राज्य भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवे लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में औद्योगिक नीति एवं समर्थन विभाग ने 20 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग दिया जा रहा था दोस्तों, उसमें जो है
गुजरात को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में गुजरात को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में किसे भारत के शीर्ष परफॉर्मिंग थाने का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है दोस्तों, भारत के शीर्ष परफॉर्मिंग थाने का पुरस्कार की बात हो रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालू, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के टॉप 10 पुलिस थानों की सूची जारी किए थे। इस सूची में उन स्थानों को रखा गया था जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम किया था। ठीक है, जिसमें दोस्तों कालू राजस्थान का जो पुलिस थाना है उसको जो है शीर्ष परफॉर्मिंग थाने का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक रिपोर्ट जारी हुआ था दोस्तों, उसमें भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80वां स्थान मिला है, 80 नंबर का। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट किया गया था कि बिजली वितरण में पिछले कुछ साल में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत अभी भी विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, इसलिए भारत को दोस्तों 80 स्थान पर रखा गया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अनूप कुमार ने संन्यास की घोषणा किया है, वह किस खेल से संबंधित है? दोस्तों स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, वहां से वीडियो सेक्शन में आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनूप कुमार जो है संन्यास लेने की घोषणा की है, वो कबड्डी गेम से रिलेट करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी अनूप कुमार ने 19 दिसंबर 2018 को कबड्डी से संन्यास लेने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों भारत का जितना भी रैंकिंग है उससे भी रिलेटेड स्पेशली इस चैनल में वीडियो अपलोड कर दिया हूं, आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 108वां स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के जो नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो जो है वर्ष 2018 की लैंगिंग असमानता जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, उसमें भारत को 108वां स्थान मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अरुण भादुड़ी का निधन हो गया, वो क्या थे? दोस्तों एग्जाम में कभी कभी आपको दिखने को जरूर मिल सकता है कि जो निधन होते हैं इससे रिलेटेड भी कभी कभी जो महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, इसलिए इसको भी आप लोग ऐड करते जाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गायक थे। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गायक थे। बता देना चाहता हूं कि हाल ही भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित अरुण भादुड़ी को 18 दिसंबर 2018 को निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में चेंजिंग इंडिया, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो है दोस्तों, पुस्तक से भी रिलेटेड राइटर के उनके नाम कभी कभी एग्जाम में दिख जाते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण और चर्चित ये बुक था। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक कौन है? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मनमोहन सिंह। ध्यान में देख सकते हैं मनमोहन सिंह का फिगर लगा हुआ है। ठीक है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखित पुस्तक चेंजिंग इंडिया का 18 दिसंबर 2018 को दिल्ली में विमोचन किया गया। ठीक है दोस्तों, यह पुस्तक भारत के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग विवे लगा लीजिए, अवार्ड से रिलेटेड भी चैनल पे वीडियो स्पेशली अपलोड कर दिया हूं, आप लोग अपने डॉट को क्लियर कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाकर के। ठीक है, स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया? ध्यान दीजिएगा, स्टार स्क्रीन अवार्ड की बात हो रहा है जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस किनको दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आलिया भट्ट। देख सकते हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट का फोटो लगा हुआ है। ठीक है, बता देना चाहता हूं दोस्तों, स्टार स्क्रीन अवार्ड 2018 में
जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है आलिया भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 10th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली प्राइवेट मानव रहित विमान यूएवी फैक्ट्री आरंभ किया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवे लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में अडानी समूह तथा इजराइल की कंपनी एलिड सिस्टम द्वारा संयुक्त रूप से भारत की पहली निजी मानव रहित विमान यूएवी नामक फैक्ट्री जो है निर्माण करने का घोषणा हैदराबाद में आरंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन को आप लोग वीवी लगा लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 18 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, हाल ही में विश्व भर में 18 दिसंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, इनमें से किसो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवी लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो है इस टाइप के एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018 के लिए चुना गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सोनम कपूर को। ध्यान में देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे सोनम कपूर का फोटो लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, इनमें से किसने मिस यूनिवर्स 2018 खिताब जीता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को वीवी लगा लीजिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपडेट करा दिया था। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कैटरीना ग्रे। ध्यान दीजिएगा, कैटरीना ग्रे को मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब इन्होंने ही जीते हैं, देख सकते हैं फिगर में। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, किस टीम ने हाल ही में हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब जीता है। प्रत्येक क्वेश्चन फीवी है दोस्तों, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक दो बार वीडियो देख लेने के बाद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बेल्जियम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2018 खिताब बेल्जियम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में इमर्जिंग एशिया का खिताब जीता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इमर्जिंग एशिया की बात हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइटेड न्यूज में रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पीवी सिंधु, देख सकते हैं फिगर में। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है खिलाड़ियों से कि एक प्लेयर जो है कौन सा गेम खेलते हैं, आपको याद होना चाहिए कि पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन के प्लेयर हैं, फिगर में देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों जितने भी नए मुख्यमंत्री बने थे वो भी जो है ऑलरेडी अपडेट करा दिया हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भूपेश बघेल। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, किस देश की सरकार ने हाल ही में 200, 500 और 2000 रुपए के भारतीय नोट पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये न्यूज जो बहुत हाईलाइटेड रहा था दोस्तों, इसे अपडेट कर लीजिए, कभी कभी एग्जाम में आपको दिखने को जरूर मिल सकता है, इसे भी वीवीए लगा लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेपाल देश की सरकार ने जो है 200, 500 और 2000 रुपए के भारतीय नोट पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, हाल ही में 150 टेस्ट मैच जीतने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया। बहुत ही चर्चित में रहा था दोस्तों, ये बन गया है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पांचवा बन गया है। ठीक है, हाल ही में दोस्तों भारत टीम ने 30 दिसंबर 2018 को ऑस्ट्रेलियाई को 137 रन से हराकर मेलबोर्न स्टेडियम, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा स्टेडियम, तो मेलबोर्न स्टेडियम में जो है 37 साल बाद पहला टेस्ट मैच जीता। इसी के साथ भारत टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 150 टेस्ट मैच जीतने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे जो है मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में 37 साल बाद जो है पहला टेस्ट मैच जीता है भारत ने। इसी के साथ जो है भारत ने 150 टेस्ट मैच जीतने वाले भारत दुनिया का पांचवा देश बन गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मृणाल सेन का निधन हो गया, वो क्या थे? दोस्तों मृणाल सेन एक फिल्मकार थे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों भारतीय सिनेमा के प्रख्यात प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मृणाल सेन जो थे 30 दिसंबर 2018 को निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्योंकि निधन से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिलते हैं, इसलिए वो भी अपडेट कराना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? नहीं शामिल होने वाले सूचना की बात हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है नहीं शामिल होने वाले हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अभय चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, अभय चतुर्वेदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी, 4 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय क्रिकेटर आईसीसी 2018 के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी 2018 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर की बात हो रहा है। तो महिला क्रिकेटर में दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्मृति मंघाना। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंघाना को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा वर्ष 2018 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में इनको चयनित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम बदला गया है, जहां रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम बदला गया है, जहां रॉस द्वीप समूह का नाम क्या रखा गया है? उस द्वीप समूह का नाम दोस्तों ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह रखा गया है। बहुत ही चर्चित हाईलाइटेड न्यूज रहा था दोस्तों, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह श्रृंखला के प्रसिद्ध 3 द्वीपों को दूसरा नाम दिए जाने का घोषणा किया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें रॉस द्वीप समूह को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है, ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी, हाल ही में कौन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना है? भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, HDFC ग्रुप। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कारोबारी जो है समूह में HDFC ग्रुप को जो है बनाया गया है, जो कि टाटा समूह ग्रुप को पछाड़ करके 26 दिसंबर 2018 को जो है देश का सबसे बड़ा कारोबारी समूह यह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हाल ही में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए? ध्यान दीजिएगा, हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए उस क्रिकेटर का नाम पूछ रहा है। उस क्रिकेटर का नाम है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिंकी पॉन्टिंग। ठीक है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई के पूर्व कप्तान रिंकी पॉन्टिंग को 26 दिसंबर 2018 को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किन दो व्यक्तियों को मोहम्मद रफी अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों अवार्ड से रिलेटेड भी चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन अपडेट कर दिया हूं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। बात करते हैं मोहम्मद रफी अवार्ड का दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर उषा टिमोठी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में दिवंगत संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलफर और पार्श्वी गायिका उमा त्रिपोठी को 24 दिसंबर 2018 को मोहम्मद रफी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन IWC से अलग होने का फैसला लिया है? ये दोस्तों लिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जापान ने। ठीक है,
हाल ही में जापान ने 26 दिसंबर 2018 को कहा है कि वह इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC से हट रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जापान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, RBI ने हाल ही में कितने रुपए का नया नोट जारी करने का घोषणा किया है। RBI ने नया नोट जारी करने का घोषणा किया है दोस्तों, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 20 रुपए का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जल्द ही 20 रुपए का नया नोट जारी करने का घोषणा किया है। यह जो है जानकारी दोस्तों केंद्रीय बैंक के एक दस्तावेज के अनुसार सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 25 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, सुशासन दिवस की बात हो रहा है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा ए अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2018 को संपूर्ण भारत में मनाया गया। यह दिवस दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस पर पहली बार वर्ष 2014 मनाया गया था। उन्हें भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे दोस्तों पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया गया है 25 दिसंबर को। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिख सकता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, यह भी याद करना जरूरी है, 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे दोस्तों, भारतीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस उपभोक्ता आंदोलन को अवसर प्रदान कराता है और उसके महत्व को उजागर करता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जो है उपभोक्ता को अपने अधिकार और जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक और प्रेरणा करने की घोषणा करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 24 दिसंबर को। फर्स्ट वीक का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस देश में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचा है। दोस्तों ये प्रत्येक क्वेश्चन का डेट भी सब मेंशन किया गया, किस डेट का ये करंट अफेयर्स है एंड वीक बाय वीक करंट अफेयर्स है। तो ये दोस्तों किस जो टेस्ट सीरीज जो जीता है वो कौन से देश में टेस्ट सीरीज जीतकर जो है इतिहास रचा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत ने हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दोस्तों 76 नंबर का हाल ही में जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है, उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। इसे दिया गया दोस्तों रामी मालिक को, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रामी मालिक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करता हूं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, किस टीम ने हाल ही में प्रो कबड्डी सीजन 6 का खिताब जीता है। प्रो कबड्डी सीजन 6 का खिताब जब भी बात आए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु बुल्स। बेंगलुरु बुल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में 4 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। बताइए यह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस था। तो दोस्तों ये जो था फर्स्ट जो है पहला ब्रेल दिवस मनाया गया है 4 जनवरी 2019 को। याद कर लीजिएगा, ब्रेल दिवस अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी 2019 यानी 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामाकांत आचरेकर का निधन हो गया। दोस्तों निधन से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए निधन से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रामाकांत आचरेकर का निधन हो गया, वो क्या थे। रामाकांत आचरेकर एक दोस्तों क्रिकेट प्रशिक्षक थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 3 बैंकों के विलय की स्वीकृति प्रदान किया है। वो कौन सा 3 बैंक है दोस्तों जिसको विलय करने का जो है मर्ज करने का जो है स्वीकृति प्रदान किया है। वो बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक। ये तीनों बैंक को मर्ज करके जो है विलय करने की जो है स्वीकृति प्रदान किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, कौन सा देश हाल ही में चंद्रमा की दूरी और आन
उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन सा देश हाल ही में चंद्रमा की दूसरी ओर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चंद्रमा के दूसरी ओर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश की बात हो रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चाइना, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, चाइना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कादर खान का निधन हो गया। कादर खान का निधन हो गया, वो क्या थे दोस्तों? बहुत ही फेमस थे, बताइए। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं उस क्वेश्चन को बेशक कमेंट किया कीजिए उसका क्वेश्चन का आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अभिनेता। दोस्तों कादर खान एक अभिनेता थे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि उनकी मृत्यु निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे आइए। हाल ही में किन दो देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को छोड़ने का निर्णय लिया है? दोस्तों वो कौन सा दो देश है जिसने आधिकारिक रूप से घोषणा किया है कि यूनेस्को से जो है वो अलग होने का निर्णय लिया है? वो दो देश का नाम है दोस्तों अमेरिका और इजराइल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका और इजराइल। चलिए दोस्तों, 1 जनवरी का जो फर्स्ट वीक का क्वेश्चन है जो है एंड हो चुका है। अब जनवरी का सेकंड वीक का क्वेश्चन पे आइए। इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको किसी तरह का करंट अफेयर्स का जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगा। चाहे आप जिस चीज का जो है गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम देने वाले हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस स्थान पर पहली भारत मध्य एशिया वार्ता संपन्न हुआ? वो कौन सा जगह है दोस्तों जहां पे भारत मध्य एशिया का जो है वार्तालाप संपन्न हुआ? यह है दोस्तों समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक परिवार एक नौकरी योजना शुभारंभ किया है? बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, विवेक से लगा सकते हैं। एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ कौन सा स्टेट में किया गया है दोस्तों? ये किया गया सिक्किम राज्य में, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। सिक्किम राज्य में जो है एक परिवार एक नौकरी का योजना शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन पे आइए। किस देश ने हाल ही में अपना नाम बदलकर उत्तरी मेसेडोनिया गणराज्य रखा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेसेडोनिया। मेसेडोनिया ने जो है दोस्तों अपना नाम बदल करके उत्तरी मेसेडोनिया रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन पे आइए। कौन व्यक्ति हाल ही में फिलिप कोटलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिलिप कोटलर से दोस्तों नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। इस क्वेश्चन को भी वही लगा सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में अब तक पूछा जा चुका है, जेई का एग्जाम में ही पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन को। कौन व्यक्ति हाल ही में फिलिप कोटलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2021 में मिशन गगनयान लॉन्च करने का घोषणा किया है, बताइए यह करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? मिशन गगनयान लॉन्च करने वाला दोस्तों भारत जो है चौथा देश दुनिया का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 6th नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे हर वर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 7th नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कौन परेड में पहली बार सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला ऑफिसर बनी है? महिला ऑफिसर दोस्तों जिसने सेना के नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है ऑफिसर, वो कौन है? उनका नाम है भावना कस्तूरी, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। दोस्तों भावना कस्तूरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये 8 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन हाल ही में दूसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं? वेनेजुएला के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, उनका नाम है निकोलस मादुरो, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। निकोलस मादुरो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों थोड़ा सा फास्ट में चल रहा हूं, क्योंकि 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग को ये वीडियो में देखना है। 9th नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में जो है दोस्तों क्रिकेटर एलवी मोरकन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है, वह किस देश से संबंधित है? यह दक्षिण अफ्रीका का है दोस्तों,
एक क्रिकेटर था एलवी मोरकेल। एलवी मोरकेल जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, दक्षिण अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 10th नंबर क्वेश्चन जो कि हाँ आ जाइए। हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इसको आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसका कब से शुरुआत हुआ था, ये वर्ष 2006 से जो है प्रत्येक 10 जनवरी को हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 11 नंबर पे आइए, हाल ही में जारी WEF की ताजा रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा। ये WEF की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्ष 2030 तक ऐसा बताया जा रहा है कि भारत जो है दुनिया का तीसरा उपभोक्ता बाजार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में गीता गोपीनाथ ने IMF की मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभाला है, बताइए यह अब तक IMF की कौन से मुख्य अर्थशास्त्री है। तो दोस्तों ये हो जाएगा राइट आंसर 11वीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में USA क्रिकेट ICC का कौन सा सदस्य बना है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है हाल ही में ICC का सदस्य बना है, वो कौमा नंबर का सदस्य बना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 105वें नंबर का सदस्य बना है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में कौन 3 बार होपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। होपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं दोस्तों रोजर फेडरर, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, रोजर फेडरर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए, केंद्र सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को कितने % आरक्षण देने का घोषणा किया है। जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का कमेंट इस क्वेश्चन का आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी को पता होना चाहिए, ऑलरेडी बहुत चर्चित में ये रहा था। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 10% जो है दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को जो है 10% आरक्षण देने का घोषणा किया है, जो कि सभी जगह लागू भी हो चुका है। हाल ही में जवाहर नवोदय विद्यालय में 5000 सीट बढ़ाने का घोषणा किया है, जो अब कुल हो जाएगी कितना सीट हो जाएगा, लगभग दोस्तों 51,000 जवाहर नवोदय विद्यालय में सीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 17 नंबर क्वेश्चन, RBI ने हाल ही में किसे डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन बनाया है। डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन नंदन नीलेकनी को बनाया है, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। चलिए दोस्तों हम लोग जो है अब तक जो है जनवरी का सेकंड वीक का करंट अफेयर देख चुके हैं, अब आइए जनवरी का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स, पूरा वीकली करंट अफेयर्स है दोस्तों, ताकि आप लोग को कहीं से क्वेश्चन छूटने की पॉसिबिलिटी ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में प्रथम शेख सौद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है दोस्तों जिसको प्रथम शेख सौद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है CN राव को, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है दोस्तों इंदु शेखर झा, ध्यान दीजिएगा इंदु शेखर झा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ घरेलू कामगारों की भर्ती में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है, वो है कुवैत, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। केंद्र सरकार ने कुवैत में घरेलू कामगारों की भर्ती हेतु सहयोग देने का जो है ज्ञापन मंजूरी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे ICC अवार्ड में वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में घोषित किया गया है, वो है विराट कोहली। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन दोस्तों विराट कोहली को 2018 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के रूप में इनको अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया है, वो कौन सा राज्य है, वो राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों भारत के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। 6th नंबर क्वेश्चन पे आइए,
कौन सा शहर हाल ही में वर्ष 2020 हेतु विश्व की पहली वस्तु कला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया है, वो कौन सा शहर है दोस्तों? वो शहर है रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में पड़ता है। रियो डी जेनेरियो दोस्तों वर्ष 2020 हेतु विश्व की पहली वस्तु कला का वैश्विक राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ नंबर पे आइए। हाल ही में 21 जनवरी 2019 को वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में किस संस्करण का आयोजित किया गया? उस संस्करण है दोस्तों 15वां संस्करण है, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 8 नंबर क्वेश्चन। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में भारतीय सिनेमा के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों कौन से शहर में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? वो शहर है सिटी है मुंबई, मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मिलिट्री पुलिस ने कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने का घोषणा किया है? ये डाटा आपको याद होना चाहिए, वीवीआई लगा सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने का घोषणा किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 20%, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। 10th नंबर क्वेश्चन पे ये, कौन सा संस्थान हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला पहला भारत का पहला संस्थान बना है? वो कौन सा संस्थान है दोस्तों, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाला, जो है बीटेक करने का शुरुआत करने वाला पहला संस्थान बना है? वो संस्थान है दोस्तों आईआईटी हैदराबाद, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन लॉरियस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है? लॉरियस अवार्ड के लिए दोस्तों नॉमिनेट हुई है, उनका नाम है विनेश फोगाट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 12 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कुल कितने नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान किया है? ये है दोस्तों टोटल 13, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कुल 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मंजूरी प्रदान किया है। 13 नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला मानव अधिकार को समर्पित टीवी चैनल आरंभ किया गया है? हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला मानवाधिकार समर्पित टीवी चैनल शुभारंभ किया गया है? ये लंदन में किया गया है, जो कि ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसे आईसीसी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिए, बहुत ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मनु साहनी होगा, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। हाल ही में आईसीसी के नए सीईओ के रूप में मनु साहनी को जो है नॉमिनेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग जो है जनवरी का थर्ड वीक तक क्वेश्चन पूरा कवर कर चुके हैं। अब आते हैं जनवरी का फोर्थ वीक का क्वेश्चन, फोर्थ वीक का फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में स्वास्थ्य भारत यात्रा का समापन हुआ, जिसे किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला है भ्रष्टाचार सूचकांक में दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 78वां स्थान मिला है, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है भ्रष्टाचार के मामले में। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में कौन पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला सिविल जज बनी है? हाल ही में कौन पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला सिविल जज बनी है? उनका नाम है सुमन पवन बोडानी। सुमन पवन बोडानी जो है दोस्तों पाकिस्तान में हिंदू समाज की लड़की है, जो पहली बार जो सिविल जज बनी है वहां पे हिंदू समाज में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे ये, हाल ही में जारी WSA रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चाइना। ठीक है दोस्तों, हाल ही में WSA के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है
कि चाइना जो है विश्व में सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया, वो क्या थे? दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस एक पूर्व रक्षा मंत्री थे, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आइए, किस खिलाड़ी ने हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का खिताब जीता है? पुरुष में दोस्तों ये नोवाक जोकोविच जो जीते हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का खिताब जीता है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2018 दिया है? ये है दोस्तों टोटल 48 को मिला है। इस क्वेश्चन को वीवीए लगा लीजिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एट नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में पद पुरस्कार 2019 घोषित किया गया, जिसमें कितने व्यक्तियों को पद विभूषण के लिए चुना गया है? टोटल 4 व्यक्तियों को पद विभूषण के लिए चुना गया है वर्ष 2019 में। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के अनुसार हाल ही में किसे हिंदी बर्ड ऑफ द ईयर 2018 चुना गया है? कौन से बर्ड को हिंदी बर्ड ऑफ द ईयर वर्ष 2018 के लिए चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नारी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, टेंथ नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीता है? वो है दोस्तों साइना नेहवाल। ध्यान दीजिएगा, साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं दोस्तों, इन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीता है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसका शुरुआत हुआ था, इसका शुरुआत वर्ष 2011 से हुआ है दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को जो मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे ये, कौन व्यक्ति हाल ही में यस बैंक के नए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं? यस बैंक के नए सीईओ और एमडी हैं दोस्तों रवनीत सिंह गिल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रवनीत सिंह गिल को बनाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्णा सोबती का निधन हो गया। इस क्वेश्चन को भीवे लगा सकते, बहुत बार पूछा जा चुका है। कृष्णा सोबती का निधन हो गया दोस्तों, वो क्या थी? कृष्णा सोबती जो थी एक लेखिका थी दोस्तों, राइटर थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में क्रिकेटर जोहान बोथा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया दोस्तों, वह किस देश से संबंधित है? जोहान बोथा साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस व्यक्तियों के नाम पर आपदा प्रबंध पुरस्कार का घोषणा किया है? वो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2017 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग वीवीआई लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर सितांशु यश चंद्र होगा दोस्तों, जिन्हें वर्ष 2017 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर पे आइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर वर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करता हूं। चलिए दोस्तों, अब लोग हम लोग जो है जनवरी का एक मंथ का करंट अफेयर्स पूरा देख चुके हैं, अब आइए फरवरी का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी इंटरनेट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों बौद्धिक संपदा में भारत का जो है स्थान मिला है 36 नंबर का, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 36वां स्थान मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019 जीता? इस क्वेश्चन को वीवे पहले लगा लीजिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ये ऑलरेडी रेलवे में पूछा जा चुका है। रणजी ट्रॉफी 2019 जीतने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विदर्भ, जो कि ऑप्शन डी में गिवेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर पे आइए, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बन गया है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड नंबर का एलपीजी उपभोक्ता बन गया दोस्तों, वो है भारत, इंडिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत का 7वां स्थान मिला है दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, किस प्रथम हिंदू महिला ने हाल ही में वर्ष 2020 में सब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा किया है? वर्ष 2020 में दोस्तों प्रथम हिंदू महिला ने हाल ही में वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का घोषणा किया है, उनका नाम है दोस्तों तुलसी गेवार्ड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, तुलसी गेवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस वर्ष तक हिमालय के ग्लेशियर का 2/3 हिस्सा पिघल जाएगा? वो है दोस्तों वर्ष 2100 तक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में ऐसा घोषणा किया गया दोस्तों कि 2100 तक जो है हिमालय के ग्लेशियर का 2/3 हिस्सा पिघल जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में सीबीआई के नए निर्देशक बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन को विवेक लगाते चलिए, सीबीआई के नए निर्देशक दोस्तों ऋषि कुमार शुक्ला जी, जो कि ऑप्शन डी में गिवेन है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विश्व कैंसर दिवस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लें, वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर की बात हो दोस्तों, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर मिथाली राज होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिथाली राज दोस्तों 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। 10th नंबर क्वेश्चन पे आइए, पीएम मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया है? वो है दोस्तों डांडी गुजरात में, जहां पे नमक सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था। हाल ही में यूएई तथा सऊदी अरब ने संयुक्त डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का घोषणा किया है, वो दोस्तों कहां किया है? अबर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। हाल ही में यूएई और तथा सऊदी अरब ने संयुक्त डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का घोषणा किया है, जिसका नाम है अबर, ध्यान दीजिएगा अबर, याद कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है फरवरी का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन देख लिए हैं, अब आइए फरवरी का सेकंड वीक का क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इनमें से किस टीम ने हाल ही में ईरानी कप 2019 का खिताब जीता है? ईरानी कप दोस्तों विदर्भ ने जीता है, जो कि ऑप्शन सी गिवन है। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के CMD नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति को हाल ही में, दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे जो सभी का क्वेश्चन जो है डेट भी मेंशन है, डेट भी आप लोग देख लीजिएगा कि ये करंट अफेयर कौन से डेट का है, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के CMD नियुक्त किए गए हैं? वो है दोस्तों अश्विनी लोहानी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, एयर इंडिया के CMD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2019 दिया गया है, जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? बाफ्टा में बेस्ट फिल्म रोमा को मिला है, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। इस क्वेश्चन को वीवे लगा लीजिए, RRB JEE में क्वेश्चन 2-3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है।
कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? वो है सुशील चंद्रा। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए। किस भारतीय शहर में हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटोन थेरेपी सेंटर आरंभ किया गया है? यह है दोस्तों चेन्नई में स्टार्ट किया गया है। भारतीय शहर है दोस्तों जहां पे दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटीन थेरेपी सेंटर स्टार्ट किया गया है, वो चेन्नई में किया गया है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 5 पिछड़ी जातियों को 5% आरक्षण देने का घोषणा किया, जिसमें कौन सा जाति शामिल नहीं है? ये किया है राजस्थान के सरकार ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों जाट। जाट उसमें शामिल नहीं है, जो कि बंजारा, गुर्जर, गडरिया ये सब उसमें शामिल है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में सरपंच और पार्षदों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है? यह है दोस्तों राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान होगा। राजस्थान राज्य में दोस्तों विधानसभा में हाल ही में सरपंच और पार्षद की जो चुनाव होता है दोस्तों, उसमें शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्यता जो था वो खत्म कर दिया है। हाल ही में किसे अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है दोस्तों अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी को अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में मैथिली भाषा के संरक्षण हेतु पांडुलिपि केंद्र का स्थापना होगा? यह है दोस्तों दरभंगा, बिहार में, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टेंथ नंबर क्वेश्चन। कौन भारतीय इतिहासकार हाल ही में इजराइल के डेन डेविड पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? ये इसका नाम है संजय सुब्रमण्यम। संजय सुब्रमण्यम दोस्तों भारत के इतिहासकार हैं। इनको इजराइल के डेन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किस शहर में न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी बनाया गया है? दोस्तों कौन से शहर है जहां पे न्यायालय में तीसरी जो आधिकारिक भाषा जो होता है दोस्तों, आधिकारिक भाषा जो होता है वहां पे हिंदी को मान्यता दिया गया है? वो है अबू धाबी यूएई में। ध्यान दीजिएगा, अबू धाबी यूएई में न्यायालय का तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी बनाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में 61वें ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज आपको याद होना मस्ट है। 61वें ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं, जिनमें बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट रैप एल्बम का दोस्तों कार्डी बी को दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी में गिवेन है। अब हम लोग दोस्तों जनवरी का सेकंड वीक तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आइए जनवरी का थर्ड वीक का क्वेश्चन पे, सॉरी फरवरी का थर्ड वीक का क्वेश्चन पे आइए। फरवरी सेकंड तक हम लोग देख चुके हैं, फरवरी का थर्ड वीक का क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनएबीएच ने हाल ही में अस्पतालों के लिए एंट्री लेवल प्रमाणन प्रक्रिया हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो पोर्टल का नाम कौन है? उस पोर्टल का नाम दोस्तों होप रखा गया है। एनएबीएच के द्वारा हाल ही में अस्पतालों के लिए एंट्री लेवल प्रमाणन प्रक्रिया हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों, उस पोर्टल का नाम होप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया दोस्तों सियोल शांति पुरस्कार। इसको भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग कितने ग्रामीण लोग धातु प्रदूषित पानी पीते हैं? धातु प्रदूषित पानी पीने वाले लगभग 4 करोड़ लोग हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे ये, हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के 488
छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज बने हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? बीसीसीआई के पहले लोकपाल डीके जैन को नियुक्त किया गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। हाल ही में इफ्को ने पीएफ की ब्याज दरों में 0.10% की बढ़ोतरी करने का घोषणा किया गया है, जो अब कुल कितना हो जाएगा? उस 0.10 बढ़ने से दोस्तों अब जो है 8.65 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नामवर सिंह का निधन हुआ है, वो क्या थे? नामवर सिंह दोस्तों एक साहित्यकार थे, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 72वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कौन सा देश है दोस्तों जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 72वें सदस्य के रूप में नॉमिनेट हुआ है? उस देश का नाम है अर्जेंटीना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है? ध्यान दीजिएगा, आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनने वाली है दोस्तों हीना जायसवाल, उनका नाम है हीना जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को कंट्रोलर और एएसजी नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को कंट्रोलर ऑफ एएसजी नियुक्त किया गया है? उनका नाम है चंद्रमौली रामनाथन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में 17 फरवरी 2019 को वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? उनका नाम है दोस्तों क्रिस गेल। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में 17 फरवरी 2019 को वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? उनका नाम है क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 वर्षों के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें किसे वर्ष 2015 का पुरस्कार मिला है दोस्तों? ये है छायानट, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। छायानट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये गोपी देवगन दोस्तों ये यहां पे आएगा, ठीक है, छायानट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग फरवरी का थर्ड वीक तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब आइए फरवरी का फोर्थ एंड लास्ट वीक का करंट अफेयर्स फरवरी का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए तैयार करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए एक तैयार किया है पोर्टल दोस्तों, उस पोर्टल का लॉन्च नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम श्रेयस रखा गया है, इस क्वेश्चन को भी विवे लगा सकते हैं, उस पोर्टल का नाम है श्रेयस। हाल ही में बाधिरों के लिए शब्दकोश के दूसरे संस्करण का लॉन्च किया गया है, जिसमें सभी विषयों के कुल कितने शब्द शामिल हैं? उनमें दोस्तों 6000 शब्द शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया गया, जिसका शुरुआत कब हुआ था? ये वर्ष 1987 से ही मनाया जा रहा है दोस्तों, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन क्रिकेटर 27 फरवरी 2019 को नाइट हुड की उपाधि से नवाजा गया है? कौन क्रिकेटर 27 फरवरी 2019 को नाइट हुड की उपाधि से नवाजा गया है? उस क्रिकेटर का नाम है दोस्तों एलिस्टर कुक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में क्विक रिएक्शन मिसाइल QRSAM
क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका रेंज क्या है दोस्तों, उसका रेंज है 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर है दोस्तों रेंज क्विक रिएक्शन मिसाइल का, जो कि भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में किस स्थान पर तीतान वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बगरू, राजस्थान। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में किस स्थान पर तीतान वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है? वो है दोस्तों बगरू, राजस्थान। हाल ही में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन किया है, जिसका वजन पूछा जा रहा है दोस्तों कितना वजन है? भगवत गीता का वजन 800 किलो है, ध्यान दीजिएगा 800 kg। हाल ही में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता का उद्घाटन किया है, जिसका वजन 800 kg है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। भारतीय रेलवे ने हाल ही में यात्रियों हेतु डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? भारतीय रेलवे हेतु डैशबोर्ड लॉन्च किया है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के हेतु, उस डैशबोर्ड का नाम है रेल दृष्टि, ध्यान दीजिएगा रेल दृष्टि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में जीएसटी परिषद के निर्माणधीन घरों पर टैक्स 12% से घटा करके कितना परसेंट कर दिया है? 12% से घटा करके 5% कर दिया है दोस्तों, जो कि हाँ ऑप्शन बी में गिवन है। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2019 दिया गया है, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑस्कर का बेस्ट फिल्म का अवार्ड है दोस्तों ग्रीन बुक को मिला है, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में कौन भारत में सबसे तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है? उनका नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उनका नाम क्या है? पीवी सिंधु, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हाल ही में पीवी सिंधु ने तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूं। अब हम लोग जनवरी एंड फरवरी दो मंथ का करंट अफेयर्स देख चुके हैं, अब आइए मार्च का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ये दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश को लगातार तीसरी बार स्वच्छ शहर में जो है इसको पुरस्कार मिला है इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स ने 2019 की सबसे अमीर लोगों की सूची जारी किया है, जिसमें कौन सबसे युवा अमीर है? वो है दोस्तों काइली जेनर, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। काइली जेनर दोस्तों फोर्ब्स के एक रिपोर्ट आया दोस्तों, जिसमें सबसे अमीर लोगों की सूची में युवा अमीर बना है काइली जेनर। गूगल ने हाल ही में प्राथमिक कक्षा में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सिखाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, उस ऐप का नाम है बोलो। उस ऐप का नाम क्या है? बोलो ऐप। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में कुल कितने जीपीएस स्टेशन की स्थापना करने का घोषणा किया है? टोटल 22 जीपीएस स्टेशन स्टार्ट करने का घोषणा किया है दोस्तों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में टोटल 22 जीपीएस स्टेशन की स्थापना करने का घोषणा किया है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में 20 रुपये का सिक्का जारी करने का घोषणा किया है, जिसका आकार है दोस्तों 20 रुपये का सिक्का का आकार है 27 mm, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। हाल ही में कब भारत में प्रथम जन औषधि दिवस मनाया गया? प्रथम जन औषधि दिवस दोस्तों 7 मार्च 2019 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में जारी यूएन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से हर साल कितने लोगों की मौत होती है? वायु प्रदूषण से हर साल दोस्तों कितने लोगों की मौत होती है? लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है विश्व पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो, ये यूएन की एक ताजा रिपोर्ट आया है।
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह दोस्तों छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर छत्तीसगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा की अवधि 5 साल से घटाकर 3 महीना कर दिया है? देख सकते हैं दोस्तों 5 साल से घटाकर 3 महीना कर दिया है दोस्तों अमेरिका ने, वो पाकिस्तान की वीजा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 10th नंबर क्वेश्चन पे आइए। गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस पड़ोसी देश की सीमा पर स्पॉट फेसिंग सिस्टम का शुरुआत किया है? यह किया है बांग्लादेश के साथ, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में 5 मार्च 2019 को किस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है? यह है इमरान ताहिर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 5 मार्च 2019 को इमरान ताहिर, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में भारत रूस के आयुध कारखाने का घोषणा किया है? पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में भारत रूस के आयुध कारखाने का उद्घाटन करने का घोषणा किया है? यह है दोस्तों अमेठी, उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। इसरो ने हाल ही में कौन सी कक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया है? यह है 8वीं कक्षा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में जारी यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वर्ष 2017 से 2018 के बीच कितने प्रतिशत खसरे के मामले में बढ़े हैं? खसरा के मामले में दोस्तों 48.4% की वृद्धि हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। पीएम मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें कितने वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान करने का घोषणा किया है? ये दोस्तों 60 वर्ष के बाद। 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में जारी ग्रीन पीस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बन गया है? ग्रीन पीस की एक ताजा रिपोर्ट आया दोस्तों, उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत में गुरुग्राम जो है, जिसको पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, वो प्रदूषित शहर के रूप में घोषित किया है। ग्रीन पीस के ताजा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों गुरुग्राम को जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अमेरिका ने हाल ही में किस एशियाई देश की सामान्य कर मुक्त प्रावधानों जीएसपी सूची से बाहर करने का घोषणा किया है? वो भारत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका ने हाल ही में भारत देश को सामान्य कर मुक्त प्रावधानों सूची से बाहर करने का घोषणा किया है। 18 नंबर क्वेश्चन पे ये, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, वहां पे ऐसा किया गया है, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में दोस्तों दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। केंद्र सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय को IEA बायो एनर्जी TCP का कौन सा सदस्य बनने का मंजूरी प्रदान हुआ है? ये 25वां सदस्य बनने का मंजूरी प्रदान हुआ है दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कौन टेनिस खिलाड़ी हाल ही में 100वां सिंगल खिताब जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? कौन टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में 100वां सिंगल खिताब जीतने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? उनका नाम है रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 21 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2019 को
इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उसके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु फेम इंडिया योजना के कौन से चरण की मंजूरी दिया है? वो है दोस्तों द्वितीय चरण का मंजूरी दिया, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। दोस्तों अब हम लोग जो है मार्च का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन को देख चुके हैं, अब आइए मार्च का सेकंड वीक का क्वेश्चन को देखते हैं। मार्च का सेकंड वीक का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ब्रिटेन ने हाल ही में किस व्यक्ति के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया है? दोस्तों ब्रिटेन ने ब्लैक होल सिक्का जारी किया है कौन से व्यक्ति के सम्मान में? वो दोस्तों स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, इन्हीं के सम्मान में दोस्तों ब्लैक होल सिक्का जारी किया है ब्रिटेन ने। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में भारत में मेंढक की नई प्रजाति खोजा गया है, उस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? मेंढक के नए प्रजाति का नाम रखा गया दोस्तों एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 14 मार्च 2019 को दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस मनाया गया, जिसे हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 14 मार्च को मनाया गया। कौन व्यक्ति हाल ही में मिजोरम के पहले लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं? मिजोरम के पहले लोकायुक्त हुए हैं दोस्तों सी लाल सावाता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में पहली बार किस सुपारी की किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सुपारी के किस्म दोस्तों, उस सुपारी का नाम है सिरसी सुपारी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त रूप से सड़क परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? वो बांग्लादेश के साथ, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से सड़क परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में जारी सिपरी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? सिपरी के ताजा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों सऊदी अरब को बनाया गया है, जो कि सबसे ज्यादा हथियार को आयात करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एट नंबर क्वेश्चन पे आइए, विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के 220 बाघों के लिए कुल कितनी धनराशि का वित्त पोषण दिया है? वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भारत के कुल 220 बाघ के लिए कुल कितनी धनराशि का वित्त पोषण दिया है? 960 करोड़ रुपए, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, कौन व्यक्ति हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के नए निर्देशक बनाए गए हैं? BARC के नए निर्देशक डॉक्टर AK महंती को बनाया गया है दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, डॉक्टर AK मोहंती। टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में किस प्रकार के गुड़ को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? वो दोस्तों उस गुड़ का नाम है मरयूर, ध्यान दीजिएगा, मरयूर प्रकार का एक गुड़ है दोस्तों, जिसको भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुल कितनी महिलाओं और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 दिया है? ये दोस्तों टोटल 44, ध्यान दीजिएगा 44, रामनाथ कोविंद ने हाल ही में टोटल 44 महिलाओं और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार जो है प्रदान किया है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए, राष्ट्रीय औद्योगिक मूल्य प्राधिकरण NPPA ने हाल ही में कैंसर के इलाज की कितनी दवाओं की कीमत 87% तक की कम किया है? ये है दोस्तों लगभग 390, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 390 दवाओं की कीमत दोस्तों 87% तक की कमी किया है, जो कि ये सब कैंसर के इलाज के लिए यूज होता था। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
इंटरनेशनल वोमेन डे मनाया गया जिसका शुरुआत हुआ था। इंटरनेशनल वोमेन डे हर वर्ष 1975 में मनाया जाता है दोस्तों, जो कि 1975 से लेकर के प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक ईयर। केंद्र सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना हेतु कुल कितनी धनराशि मंजूरी प्रदान किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना हेतु टोटल 4500 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दिया है। उड़ान योजना हेतु दोस्तों 4500 करोड़ रुपए का जो है योजना को मंजूरी प्रदान किया है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इनमें से किसे हाल ही में प्रीतिजर पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? इनमें से किसे हाल ही में प्रीतिजर पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है दोस्तों? अराता इसोजाकी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अराता इसोजाकी को प्रीतिजर पुरस्कार 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया है, अराता इसोजाकी को। दोस्तों अब लोग हम लोग जो है मार्च का सेकंड वीक तक करंट अफेयर्स क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आइए मार्च का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने पद से इस्तीफा दिया है, वह किस देश से संबंधित है? वो कर्जिकिस्तान से संबंधित है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने हाल ही में भारत में ऊर्जा दक्षता ने तेजी लाने हेतु एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूनाटी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 29। कौन व्यक्ति हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, उनका नाम है प्रमोद सावंत, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन लेडीज यूरोपीय टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर बनी है? लेडीज यूरोपीय टूर जीतने वाली दूसरी गोल्फर की बात हो रहा है दोस्तों, तो उसका राइट आंसर होगा दीक्षा डागर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की जगह प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री बनाया गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC के निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? उनका नाम MR कुमार है, ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। LIC के निर्देशक हुए दोस्तों वो हैं MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में किस देश को अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 का मेजबानी करने को मिला है? हाल ही में कौन से देश को अंडर 17, ध्यान दीजिएगा, अंडर 17 महिला विश्व कप वर्ष 2020 की मेजबानी करने का मिला है? ये भारत को मिला है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में क्रिकेटर जेपी डुमिनी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है, वह किस देश से संबंधित है? वो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर डे हर वर्ष मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 15 मार्च को, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन पे ये, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस क्रिकेटर को आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस क्रिकेटर से आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है? ये है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, S. श्री संत। RBI ने हाल ही में किस बैंक को निजी बैंक घोषित किया है?
आरबीआई ने हाल ही में आईडीबीआई बैंक को निजी बैंक घोषित किया है। कौन से बैंक? आईडीबीआई को। हाल ही में भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति, बहुत और पूछा जा चुका है संप्रीति सैन्य अभ्यास कौन दो देशों के बीच होता है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच, वो संपन्न हुआ। ये कैमा संपन्न हुआ दोस्तों, बताइए कौन सा ये नंबर का अभ्यास था? तो ये आठवां नंबर का अभ्यास था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इनमें से किसे साल 2018 में व्यास समान हेतु चयनित किया गया है? व्यास समान हेतु वर्ष 2018 के लिए चयनित किया गया है दोस्तों, लीलाधर को, जो कि हाँ ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी को दोस्तों वर्ष 2018 का व्यास सम्मान हेतु चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं दोस्तों। अब हम लोग मार्च का थर्ड वीक तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब आइए मार्च का फोर्थ वीक का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने अब तक के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का घोषणा किया है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम अरोरा रखा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में अब तक के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का घोषणा किया है, उसका नाम अरोरा रखा है। हाल ही में 64 नंबर का ध्यान दीजिएगा 64वें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है दोस्तों रणबीर कपूर को, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। हाल ही में आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज की बात हो रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे सुरेश रैना। ध्यान दीजिएगा, सुरेश रैना इनके बाद जो है कोहली भी बना चुके हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व हाकू शाह का निधन हो गया, वो क्या थे? हाकू शाह एक चित्रकार थे दोस्तों, बहुत ही फेमस चित्रकार थे हाकू शाह। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के 24वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? उनका नाम है करमबीर सिंह। ध्यान दीजिएगा, करमबीर सिंह को भारत के 24वें नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 23 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। किस देश की सरकार ने हाल ही में असाल्ट सेमी ऑटोमेटिक राइफलों का प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? उस देश का नाम है दोस्तों न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड देश की सरकार ने दोस्तों हाल ही में असाल्ट सेमी ऑटोमेटिक राइफल पर प्रतिबंध लगा दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदल करके रखा गया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना था दोस्तों, उसका नाम बदल करके जो है नूर सुल्तान रखा गया है। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हर वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर वर्ष मनाया जाता है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च को हर वर्ष वन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत का यहाँ पे मिला है दोस्तों हैप्पीनेस में 140वां स्थान मिला है। दोस्तों अब हम लोग जनवरी से लेकर के जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ तक करंट अफेयर्स देख चुके हैं वीकली, अब आइए अप्रैल का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। हाल ही में 4 अप्रैल 2019 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को फीफा में दोस्तों 101वां स्थान मिला है, 101
सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में किस प्रथम भारतीय यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, उस भारतीय कौन है दोस्तों, भारत का है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक भारत सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, ऐसा एक रिपोर्ट बताया जा रहा है दोस्तों, जिसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2060 तक भारत जो है सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास आईसी इंडेक्स 19 दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ है, आपको यह भी याद करना जरूरी है। ये बताइए कौन सा युद्धाभ्यास था भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, ये तीसरा युद्धाभ्यास इंडेक्स आईसी इंडेक्स 19 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर वर्ष मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर पे आइए, हाल ही में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो किस राज्य से है दोस्तों, वो ओडिशा राज्य का कंधमाल हल्दी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे, ये हाल ही में कौन स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, हाल ही में कौन स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, उनका नाम है जुजाना कैपुतोवा, उनका नाम क्या है दोस्तों, जुजाना कैपुतोवा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एट नंबर क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है मनु साहनी, ध्यान दीजिएगा मनु साहनी, इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिए, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। किस टीम ने हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का खिताब जीता है, कौन से टीम ने दोस्तों हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का खिताब जीता है, वो टीम है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, दक्षिण कोरिया की टीम ने हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में कौन आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी 16 साल 157 दिन के हैं, वो कौन है दोस्तों, प्रयास रे बर्मन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, प्रयास रे बर्मन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, वो है दोस्तों ओस्लो नॉर्वे में, ध्यान दीजिएगा ओस्लो जो कि नॉर्वे में पड़ता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2019 दिए गए जिसमें किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है, वो मिला है दोस्तों चांगी हवाई अड्डा को, जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे ये, इजराइल में हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजा गया है, दुनिया के सबसे लंबी नमक की गुफा खोजा गया है, उस गुफा का नाम है मालहम, उस गुफा का नाम क्या है, मालहम, याद कर लीजिएगा, नमक का गुफा खोजा गया कहां, इजराइल में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में कुल कितनी भारतीय कॉफी की किस्मों को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है, टोटल 5 कॉफी के किस्म है दोस्तों, प्रकार है जिसको ये भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारत ने हाल ही में सीवीसी रिपोर्ट के आदान प्रदान हेतु किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ये किया है अमेरिका के साथ, भारत ने हाल ही में सीवीसी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका देश के साथ दोस्तों आदान प्रदान करने हेतु समझौता किया है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 में भारत में गरीबी दर कम हो गई है, कितना हुआ है दोस्तों
28% हो गया है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 में भारत में गरीबी दर कम होकर हो गई है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमनिका गुप्ता का निधन हो गया, वो क्या थे? बहुत ही फेमस लेखिका थी दोस्तों रमनिका गुप्ता का निधन हो गया, वो एक लेखिका थी। 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ नशीले पदार्थ की अवैध तस्करी से निपटने हेतु समझौते की मंजूरी प्रदान किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ नशीले पदार्थ की अवैध तस्करी से निपटने हेतु समझौता की मंजूरी दिया है दोस्तों? इंडोनेशिया के साथ। ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है नशीले पदार्थ की अवैध तस्करी से निपटने हेतु। 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? 76 नंबर का स्थान मिला है भारत को। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 76वां स्थान मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हम लोग अप्रैल का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स देख चुके हैं, अप्रैल का सेकंड वीक का करंट अफेयर्स को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल का सेकंड वीक का। हाल ही में वैज्ञानिकों ने फिलीपींस में आदि मानव की नई प्रजाति खोजा है, जिसका नाम क्या रखा है? हाल ही में वैज्ञानिक ने फिलीपींस में, ध्यान दीजिएगा कहाँ, फिलीपींस में आदि मानव का एक नया प्रजाति खोजा है दोस्तों, उसका नाम रखा है होमो लुजोनेसिस। उसका नाम क्या रखा गया है? होमो लुजोनेसिस। हाल ही में किस प्रथम भारतीय को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला है? ये किनको मिला है दोस्तों? रूस का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर जारी की है, जो धरती से लगभग कितना दूर है? वैज्ञानिकों ने दोस्तों पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर जारी किया है, जो पृथ्वी से 5.4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूरी पे है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेटर विजन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है दोस्तों विराट कोहली को, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास शुरू किया है? बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास सिंगापुर और भारत के बीच हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ किया गया दोस्तों, याद कर ले, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अमेरिका ने हाल ही में रिवॉल्यूशनरी गॉड कॉर्प्स नामक सेना की आतंकी संगठन घोषित किया है, यह किस देश से संबंधित है? यह दोस्तों ईरान का आतंकी सेना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका ने हाल ही में रिवॉल्यूशनरी गॉड कॉर्प्स नामक सेना का आतंकी संगठन घोषित किया है, जो कि ईरान से संबंधित है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में किस भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है? ग्राहम रीड को दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड को चुना गया है। हाल ही में केरल के मकड़ी की नई प्रजाति खोजा गया है। हाल ही में केरल में मकड़ी का एक नया प्रजाति खोज किया गया है दोस्तों, उस प्रजाति का नाम क्या है? हैब्रोसेस्टेम लिनिगसिपम लिनिगसिपनम। हाल ही में 7 अप्रैल 2019 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। 7 मार्च को हमेशा मनाया जाता है, सॉरी 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि 1950 से लगातार 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है।
हाल ही में कौन भारतीय उद्योग परिषद CII के नए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं? उनका नाम है विक्रम किलोस्कर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में कौन फीफा परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? हाल ही में कौन फीफा परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। ध्यान दीजिएगा, प्रफुल्ल पटेल उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। हाल ही में प्रफुल्ल पटेल को फीफा परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? उनका नाम है डेविड मॉलपस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? उनका नाम है डेविड मॉलपस। दोस्तों हम लोग जो है अप्रैल का सेकंड वीक तक करंट अफेयर्स देख चुके हैं, अब आइए अप्रैल का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल का थर्ड वीक का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में क्रिकेटर एलेक्स हेलेक्स ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास का घोषणा किया है। कौन क्रिकेटर है दोस्तों? एलेक्स हेल्स, वो किस देश से संबंधित है? वो इंग्लैंड के प्लेयर थे। ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड के प्लेयर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल से संन्यास लेने का घोषणा किया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए। कौन व्यक्ति हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त का नाम है दोस्तों जयदीप सरकार। इस क्वेश्चन को VVI लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 140वां स्थान भारत को मिला है दोस्तों वर्ष 2019 का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में कौन रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है? हाल ही में कौन रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है? उनका नाम है गगनदीप कंग। रॉयल सोसाइटी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है गगनदीप कंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में टाइम मैगजीन ने साल 2019 के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया है, जिसमें कितने भारतीयों को जगह मिला है? दोस्तों उसमें 3 भारतीयों को जगह मिला है। टाइम्स मैगजीन वर्ष 2019 में शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी किया, जिसमें 3 भारतीयों को जगह मिला है। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आइए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दिया है? ये डेनमार्क के साथ समझौता किया है दोस्तों। भारत ने डेनमार्क के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता के लिए हस्ताक्षर मंजूरी किया है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए। RBI ने हाल ही में 16 अप्रैल 2019 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने का घोषणा किया है? 16 अप्रैल 2019 को 50 रुपए का नया नोट जारी करने का घोषणा किया है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय, उसका नाम है निर्भय, का सफल परीक्षण किया गया, जो कि दोस्तों उसका मारक क्षमता क्या है? उसका मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है दोस्तों निर्भय, जो कि भारत का सोनिक क्रूज मिसाइल है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल। 9th नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में जारी UN की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 तक भारत की जनसंख्या हो जाएगी? दोस्तों हाल ही में एक UN की ताजा रिपोर्ट आया है, जिसमें वर्ष 2019 तक भारत की जनसंख्या 1.36, ध्यान दीजिएगा, 1.36 अरब होने की संभावना जताया जा रहा है। 10th नंबर क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े विमान ने पहली बार उड़ान भरी, जिसका नाम क्या है? हाल ही में कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़ा विमान ने पहली बार उड़ान भरा है, उसका नाम रखा गया है एस्ट्रेटो लॉन्च। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, एस्ट्रेटो लॉन्च उसका नाम रखा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए।
यूएई ने हाल ही में किस देश को अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यूएई ने हाल ही में किस देश को अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना है? वो दोस्तों भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो है यहाँ पे बुलाया है, चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं दोस्तों। हम लोग अप्रैल का थर्ड वीक तक क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आ जाइए अप्रैल का फोर्थ एंड लास्ट वीक अप्रैल का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अप्रैल का फोर्थ वीक का। हाल ही में कौन पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? ध्यान दीजिएगा, कौन पुरुष वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? उनका नाम है क्लेयर पोलोसाक, क्लेयर पोलोसाक उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस देश में हाल ही में विश्व का मलेरिया का पहला टीका लॉन्च किया गया है? किस देश ने हाल ही में विश्व का मलेरिया का पहला टीका लॉन्च किया गया है दोस्तों, वो कौन है? ये मालवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में विश्व का मलेरिया का पहला टीका लॉन्च किया गया है मालवी देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इनमें से किसे हाल ही में 77वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सलीम खान को सम्मानित किया गया दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में दोस्तों 77वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सलीम खान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सेशल्स में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लें, दलवीर सिंह सुहाग को, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति को हाल ही में सेशल्स में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? दलवीर सिंह सुहाग को। 7th नंबर क्वेश्चन पे आइए, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी करने का घोषणा किया है? ये दोस्तों इंडोनेशिया ने, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया ने हाल ही में भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रामायण पर विशेष डाक टिकट जारी करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 8th नंबर क्वेश्चन, किस टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है? संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर वर्ष मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में 22 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये दोस्तों किस जिसका शुरुआत कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में 22 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया गया दोस्तों, जिसका शुरुआत वर्ष 1970 से ही लगातार 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं दोस्तों। हम लोग जो है अब तक जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, चार मंथ का करंट अफेयर्स देख चुके हैं, अब आइए मई का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सिमोर नर्स का निधन हो गया, वो क्या थे? सिमोर नर्स एक पूर्व क्रिकेटर थे दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में 6 मई 2019 को किसे सेवा मुक्त करने का घोषणा किया है? भारतीय नौसेना ने हाल ही में 6 मई 2019 को किसे सेवा मुक्त करने का घोषणा किया है? ये दोस्तों INS रंजीत को।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय नौसेना ने 6 मई 2019 को आईएनएस रंजीत को मुक्त करने का घोषणा किया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आई सिपरी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन वर्ष 2018 में सैन्य खर्च करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है, सैनिक पे खर्च करने वाला, वो है दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, दोस्तों वो है ब्रिटेन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटेन देश ने हाल ही में जलवायु में आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, इनमें से कौन हाल ही में थाईलैंड के नए सम्राट बने हैं। थाईलैंड के नए सम्राट है बजीरा लॉन्गकोर्न। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में कौन आईपीएल में 100 कैच लपकने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में कौन आईपीएल में 100 कैच लपकने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, दोस्तों उनका नाम है, भारत का ही है, सुरेश रैना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। एट नंबर क्वेश्चन पे आइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर वर्ष मनाया जाता है 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एंड कारगर साबित होगा, स्पेशली इस ओनली वन वीडियो से। किस भारतीय को हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किरण कुमार को मिला है दोस्तों। किस भारतीय को हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किरण कुमार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस पाकिस्तानी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सबको जानते होंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस पाकिस्तानी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है, उसका नाम है दोस्तों मसूद अजहर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किसने हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राकेश सिंह भदौरिया। हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है राकेश सिंह भदौरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मेरिलिवोन क्रिकेट क्लब MCC के पहले नन ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, कुमार संगकारा। दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कुमार संगकारा को मेरिलिवोन क्रिकेट क्लब MCC के पहले नन ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए, इनमें से कौन हाल ही में जापान के 126वें सम्राट बने हैं, उनका नाम है नारोहितो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नारोहितो को जापान के 126वें सम्राट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 14 नंबर, हाल ही में कौन टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह लेने वाले पहले भारतीय बने हैं, उनका नाम है जी साथियान। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जी साथियान जो है भारत के टेबल टेनिस के प्लेयर हैं दोस्तों, इन्हें विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे हर वर्ष मनाया जाता है, ये 1 मई को हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए, किस देश की सरकार ने हाल ही में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है। किस देश की सरकार ने हाल ही में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है। दोस्तों हम लोग जो है अब मे का फर्स्ट वीक का क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आइए मे का सेकेंड वीक का क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव आरंभ हुआ। ध्यान दीजिएगा,
त्रिशूर पूरम उत्सव आरंभ हुआ है या किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों केरल में स्टार्ट किया गया है, जो कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। त्रिशूर पूरम उत्सव दोस्तों केरल में से संबंधित है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व हीरा लाल यादव का निधन हो गया। प्रसिद्ध व्यक्ति दोस्तों हीरा लाल का निधन हो गया, वो क्या थे? ये गायक थे। हीरा लाल क्या थे दोस्तों? गायक थे, बहुत ही फेमस गायक थे, याद कर लीजिएगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनमें से किस टीम ने हाल ही में आईपीएल 2019 का खिताब जीता? दोस्तों जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, सभी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों हर किसी को पता होना चाहिए आईपीएल 2019 का खिताब किसने जीता है। इस क्वेश्चन को वीवीआई भी लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछेगा एंड पूछा गया भी है, एक दो बार एक जेई के शिफ्ट में भी एक जो है क्वेश्चन दिखने को मिला था। ये दोस्तों मुंबई इंडियन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, रोहित शर्मा के कैप्टनशिप में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय को एसडीजी की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया है? संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय को एसडीजी की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया है? उसका नाम है दिया मिर्जा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में दिया मिर्जा को एसडीजी की प्राप्ति हेतु विशेष दूत बनाया है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? कौन सा देश हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? आयरलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन, रिलायंस ने हाल ही में खिलौना कंपनी हेमलेज का अधिग्रहण किया है, यह किस देश से संबंधित है? ये दोस्तों ब्रिटेन से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, हेमलेज। एट नंबर क्वेश्चन पे आइए, इनमें से किस देश की संसद ने हाल ही में फेक न्यूज विधेयक पारित किया है? इनमें से किस देश की संसद ने हाल ही में फेक न्यूज विधेयक पारित किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? ये किया गया है जगजीत पवड़िया को, ध्यान दीजिएगा, जगजीत पवड़िया को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के लिए निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, अमेरिका ने हाल ही में किस देश की धातुओं पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? अमेरिका ने किस देश की धातुओं पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश को हाल ही में आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना गया है? इनमें से किस देश को हाल ही में आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक चुना गया है? दोस्तों ये भारत को, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। दोस्तों हम लोग जो है मे का सेकंड वीक का क्वेश्चन देख चुके हैं, अब आइए मे का थर्ड वीक का क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मे का थर्ड वीक का, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में पाकिस्तान के लिए नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में पाकिस्तान के नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? उसका नाम है मोइनुल हक। मोइनुल हक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में जोको विडोडो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने, वह किस देश से संबंधित है? जोको विडोडो को दोस्तों इंडोनेशिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, इंडोनेशिया में लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में गाय की किस नस्ल को संरक्षित करने का आह्वान किया है? गाय का नस्ल है दोस्तों ओंगोल,
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ओंगोल गाय का नस्ल है जिसको संरक्षित करने का घोषणा किया है दोस्तों उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सिम्बैक्स 2019, ध्यान दीजिएगा सिम्बैक्स 2019 समुद्री युद्धाभ्यास दोस्तों ये किया गया है सिंगापुर के साथ। सिम्बैक्स दोस्तों सिंगापुर और इंडिया के बीच समुद्री युद्धाभ्यास हुआ है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व दूर संचार और सूचना दिवस हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 17 मई को, याद कर लीजिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में कौन कैरेबियन प्रीमियर लीग, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं? उनका नाम है इरफान पठान। हाल ही में कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं, उनका नाम क्या है? इरफान पठान। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में कौन अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? हाल ही में कौन अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? उसका नाम है दोस्तों आरोही पंडित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में अटलांटिक महासागर पार करने वाले विश्व की पहली महिला बनी है, उनका नाम है आरोही पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बना है? हाल ही में कौन दोस्तों समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश बना है? वो है देश का नाम है ताइवान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में चुना गया दोस्तों? वो है इगोर सिस्मेक, ध्यान दीजिएगा इगोर सिटमैक को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में कौन ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है? हाल ही में कौन ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है? उसका नाम है GS लक्ष्मी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। GS लक्ष्मी को ICC मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाला पहली महिला बनी है। अब आइए दोस्तों, हम लोग मेक तक जो है थर्ड वीक तक क्वेश्चन को देख चुके हैं, मे का फोर्थ वीक का क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, हाल ही में RBI ने RTGS के जरिए लेन देन की समय सीमा बढ़ाई है, जिसके अनुसार आप बैंकों को कितने बजे तक लेन देन कर सकेंगे? ये दोस्तों शाम के 6 बजे तक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। RBI ने RTGS के जरिए लेन देन की समय सीमा बढ़ा दी है दोस्तों, जिसके जरिए अब बैंकों में दोस्तों शाम के 6 बजे तक लेन देन कर सकेंगे, 6 बजे तक। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने हाल ही में ओडिशा के लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? किस व्यक्ति ने हाल ही में ओडिशा के लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है दोस्तों? उनका नाम है नवीन पटनायक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में किसे अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं दोस्तों पेमा खांडू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बीरू देवगन का निधन हो गया, वो क्या थे? बीरू देवगन का निधन हो गया दोस्तों, वो डायरेक्टर थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये अजय देवगन के पिताजी थे, बीरू देवगन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है शैलेश तिनेकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने
इस्तीफे की घोषणा किया है वह किस देश से संबंधित है? ये दोस्तों ब्रिटेन के हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, राष्ट्रपति ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 4 नए जजों की नियुक्ति दी है जिनमें कौन शामिल नहीं है? इसमें दोस्तों बीआर गवई शामिल है, योगेश त्रिपाठी ये शामिल नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अनुरूष बोस भी है, एस बोपन्ना भी है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। एट नंबर क्वेश्चन पे आइए, कौन व्यक्ति हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला एचआईवी संक्रमित पर्वतरोही बना है? कौन व्यक्ति हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला एचआईवी संक्रमित पर्वतरोही बना है? उसका नाम है गोपाल श्रेष्ठ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में कौन आईएएफ की पहली महिला ऑपरेशनल फाइटर पायलट बनी है? हाल ही में कौन आईएएफ की पहली महिला ऑपरेशनल फाइटर बनी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों भावना कंठ, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, भावना कंठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को हर वर्ष मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया दोस्तों? उनका नाम है जोखा अलहार्थी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जोखा अलहार्थी को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है, जोखा अलहार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अब तक हम लोग 5 महीने का करंट अफेयर्स को देख चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एंड लास्ट है दोस्तों जून का, जून मंथ के करंट अफेयर्स को देखते हैं, जून का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों, ये कब से शुरुआत हुआ था? ये वर्ष 1974 से मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, जिसका शुरुआत वर्ष 1974 से ये मनाया जा रहा है हर वर्ष। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आशा कर्मियों को वेतन 3,000 से 10,000 बढ़ाने का घोषणा किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में आशा कर्मियों का वेतन 3,000 से 10,000 बढ़ाने का घोषणा किया है? उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए, आरबीआई ने हाल ही में किस तारीख को वित्तीय साक्षरता सप्ताह बनाए जाने का घोषणा किया है? आरबीआई ने हाल ही में किस तारीख को वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाए जाने का घोषणा किया दोस्तों? ये 3 से 7 जून तक, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पुनः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बनाया गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में हाइजीन रेटिंग के बिना ऑनलाइन फूड सप्लाई पर रोक की लगाया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में हाइजीन रेटिंग के बिना ऑनलाइन फूड सप्लाई पर रोक लगाया है? वो पंजाब राज्य की सरकार ने, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में एम्स दिल्ली द्वारा किस रोग के लिए भारत का पहला क्लिनिक खोला जाएगा? एम्स दिल्ली द्वारा दोस्तों मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग के लिए भारत का पहला क्लिनिक खोला जाएगा एम्स दिल्ली द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे है सेवंथ नंबर क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला वेलबींग बजट पेश किया है? किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला वेलबींग बजट पेश किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए एट नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है? हाल ही में किसे कांग्रेस के संसदीय दल का नेता चुना गया दोस्तों? ये चुना गया है सोनिया गांधी को, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। सोनिया गांधी को दोस्तों कांग्रेस का संसदीय दल के नेता चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो तंबाकू डे हर वर्ष मनाया जाता है, ये 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों। एक ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन पे है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है दोस्तों? उनका नाम है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता का शपथ ली है? ये दोस्तों 15वें, ये आपको जानना जरूरी है। कैमे नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए दोस्तों 15वें नंबर के प्रधानमंत्री को। कब लिए शपथ? 30 मई 2019 को। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कौन व्यक्ति हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों? उनका नाम है जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश को नए मुख्यमंत्री बनाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए, किस भारतीय लेखिका को हाल ही में 9 डॉट्स प्राइज 2019 का विजेता घोषित किया गया है? किस लेखिका को हाल ही में 9 डॉट्स प्राइज 2019 का विजेता घोषित किया गया है दोस्तों? ये एनी जैदी को घोषित किया गया, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। एनी जैदी को दोस्तों भारत की लेखिका हैं, इनको 9 डॉट्स प्राइज 2019 का विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों जून का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं, अब आइए जून का सेकंड वीक का करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों देखते हैं। हाल ही में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया, जिसका शुरुआत हुआ था, ये वर्ष 1997 से इसका शुरुआत किया गया था दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? ये जो है वर्ष 2030 तक। हाल ही में इसरो द्वारा एक घोषणा किया गया था दोस्तों, जिसके अनुसार बताया जा रहा था कि भारत जो है अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा वर्ष 2030 तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में खिलाड़ी ली चोंग बेई ने लिया संन्यास की घोषणा किया है, वह किस खेल से संबंधित है? हाल ही में खिलाड़ी ली चोंग बेई ने लिया संन्यास का घोषणा किया, वह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? वो जो है बैडमिंटन खेलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, पीएम मोदी ने हाल ही में सभी मंत्री को कितनी बजे तक दफ्तर पहुंच जाने का आदेश दिया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सभी मंत्रियों को कितने बजे तक दफ्तर पहुंचने का आदेश दिया है दोस्तों? सुबह 9:30 तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मां बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मां बाप को सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का घोषणा किया है? उसका है दोस्तों ये बिहार राज्य की सरकार ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बिहार राज्य की सरकार ने घोषणा किया है कि मां बाप को सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजा जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आइए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर
हर वर्ष मनाया जाता है, ये 12 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे, ये कौन व्यक्ति हाल ही में 17वीं लोकसभा के पोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं, कौन व्यक्ति को हाल ही में 17वीं लोकसभा के पोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, वीरेंद्र कुमार को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वीरेंद्र कुमार को हाल ही में 17वीं लोकसभा के पोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं, आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 10 जून 2019 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। आई होप इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही फेमस प्लेयर है, उनका नाम है युवराज सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में 10 जून 2019 को युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व ग्रीस कनाड का निधन हो गया, वो क्या थे। ग्रीस कनाड दोस्तों एक अभिनेता थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन पे आइए, कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में मालदीव के सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से नवाजे गए हैं, इनका नाम है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को भी वीवीए लगा लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को मालदीव के सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन से नवाजा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे है दोस्तों, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस दोस्तों हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इनमें से कौन हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बने गए हैं। दोस्तों गृह मंत्री आपको पता होना चाहिए अमित शाह को बनाया गया है, उनके निजी सचिव किनको बनाया गया है, उनका निजी सचिव दोस्तों साकेत कुमार को बनाया गया है जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। हाल ही में साकेत कुमार को गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव के रूप में इनको बनाया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है, आई होप इस सेशन को अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए आप लोग स्टडी किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को फायदा हो सके। दोस्तों इसमें जनवरी से जून मंथ इस मंथ तक दोस्तों कवर किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सभी एग्जाम के लिए है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम होने वाले हैं SSC रेलवे बैंकिंग और भी अदर स्टेट गवर्नमेंट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है। ठीक है दोस्तों, और जो नया स्टूडेंट है चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पर जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं, इसका PDF लेने के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, 2 से 3 दिन के बाद जो है वहां पे अपलोड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।